एक दफ़ा का जिक्र है कि टोनी चिड़िया अपने शौहर गोरा कबूतर के साथ रहती थी। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बस एक ही कमी थी और वो कमी थी औलाद की। उन्हें शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उनके नसीब में कोई भी औलाद नहीं थी। शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी कोई भी औलाद नहीं हुई। मुझे तो लगता है कि अब हमारी कभी कोई औलाद नहीं होगी। मुझे अब कोई भी उम्मीद नहीं है। औलाद हो या ना हो, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। तुम दिल छोटा मत करो, और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। गोरा कबूतर हमेशा की तरह टोनी चिड़िया को समझाता है। एक दिन टोनी चिड़िया सुंदरी कवि के साथ दरिया के किनारे बातें कर रही होती है कि इन दोनों को एक अंडा आते हुए नजर आता है। अरे ये देखो, ये तो अंडा है, ये तो किसी चिड़िया का अंडा लग रहा है। हाँ, ये अंडा मेरे नसीब में है, अब मैं इस अंडे की देखभाल करूँगी, मैं इसकी माँ बनूंगी। ऊपर वाले ने मुझे ये अंडा दिया है, शायद ये मेरी किस्मत नहीं है। टोनी चिड़िया अंडा ले आती है और अंडे पर बैठ जाती है। अरे अरे, ये अंडा तुम कहाँ से ले आई हो, ये किसका अंडा है? ये मुझे दरिया के किनारे मिला था, पता नहीं किसका है, लेकिन अब ये मेरा अंडा है। अब इसमें जो बच्चा निकलेगा, मैं उसकी माँ होंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, अगर इसकी माँ आ गई तो तुम क्या करोगी? अगर उसकी माँ आ गई तो मैं उसे ही अंडा दे दूंगी, लेकिन अगर वो नहीं आई तो मैं उसे पालूंगी, ये मेरा बच्चा होगा। कुछ दिनों के बाद अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकलता है। अरे तुम तो कितने प्यारे हो, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। मम्मी मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दे। टोनी चिड़िया बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। दूसरी तरफ गोरा कबूतर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो अपने बच्चे के लिए फ्रूट लाने चला जाता है। थैंक यू पापा। कुकू थोड़ा बड़ा हो जाता है तो टोनी चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है। टोनी चिड़िया, आप मेरा बच्चा मुझे वापस कर दें, ये मेरा ही बच्चा है, मैं इसे कब से तलाश कर रही हूँ। ये आप क्या कह रही हैं, ये आपका बच्चा है, मैं ही कैसे मान लूँ? जी हाँ, ये मेरा ही बच्चा है, बारिश के दिनों में घोंसले में से ये गिर गया था और आपके पास आ गया। मैंने सुंदरी कवि से सब कुछ पूछ लिया है, लिहाजा आप मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दें। देखिए बहन, भले ये बच्चा आपका है, लेकिन इसकी परवरिश मैंने की है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। आपके तो और ही बच्चे होंगे ना, लेकिन ये मेरा एक ही बच्चा है, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। आप प्लीज़ ये बच्चा मत ले जाए, कुकु ही मेरी ज़िंदगी है, मेरी दुनिया है। देखिए मम्मा, भले ही आप मेरी माँ हो, लेकिन पाला मुझे मेरी इस मम्मी ने है, मैं भी इनके बगैर नहीं रह सकता। आप प्लीज़ मुझे मत ले जाए, वरना मैं भी इनके बगैर मर जाऊँगा। मैं आपसे रोज़ मिलने आया करूँगा, आप भी आया करिएगा, लेकिन मैं अपनी मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। कुकु अपनी प्यारी माँ के साथ जाने से इनकार कर देता है। इस तरह कुकु हमेशा हमेशा के लिए टोनी चिड़िया के साथ रहने लग जाता है।